आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ अंजनि देवा जी, आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं अक्षय तृतीया तिथि जो है इतनी खास क्यों है? पहली बात तो ये कि विशाख मास में शुक्ल पक्ष के पक्ष में जो तृतीया तिथि होती है उसी को हम अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया का क्या महत्व है? अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान परशुराम जी का जन्म महोत्सव मनाया जाता है और परशुराम जी का जो नाम है वह चिरंजीवी नाम के अनुसार आज भी धरती पर अजर अमर का वरदान लिए हुए हैं। इसीलिए परशुराम जी का जो ये दिन है, जो चिरंजीवी जीवन उनको प्राप्त हुआ है, उसी के अनुसार जो भी कार्य अक्षय तृतीया वाले दिन किया जाता है वह जो है हमें अक्षय फल को प्रदान करने वाला होता है। अक्षय फल का अर्थ है जो कर्म आप कर रहे हैं वह कभी क्षीण नहीं होता, अपितु निरंतर चलने वाला जो समय है उस समय को क्या कहते हैं? अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया जो है एक ऐसा शुभ मुहूर्त है जिसमें आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। अक्षय तृतीया जो तिथि आती है उस तिथि पर हमें क्या करना चाहिए? तो क्या करना है, आप लोग बहुत सारी वीडियो को सुन रहे होंगे कि कहते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन हमें बहुत सारा सोना चांदी आभूषण और कोई भी अच्छी चीज को खरीदने के लिए अक्षय तृतीया का जो मुहूर्त है वो बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन खरीदी हुई कोई भी जो वस्तु है वह अक्षय फल के समान हो जाती है। अक्षय फल का मतलब है कि अगर आपने सोना खरीदा तो सारा साल आपको सोने के समान लाभ की प्राप्ति होगी। आपने कोई जमीन जायदाद खरीद ली या फिर कोई रिश्ता भी अगर हम कहीं करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया जो है वो बहुत ही शुभ समय माना जाता है। लेकिन ये शुभ समय जो है भगवान परशुराम के जन्म दिन के सौभाग्य से हमें प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया वाले दिन क्योंकि भगवान परशुराम जी जो हैं वह धर्म के प्रचार के देवता हैं। जो भी व्यक्ति धर्म का प्रचार करता है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, वह व्यक्ति जो है भगवान परशुराम की आराधना करते हैं और इनका जन्मदिन जब हम मनाते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे जीवन में भी धर्म जो है वो बढ़ चढ़कर जन्म लेता है। इस दिन हम कौन कौन से भगवान की आराधना करते हैं? पहली बात तो मैंने आपको बताया है कि परशुराम जी का जन्मदिन है तो परशुराम की हमें आराधना करनी है। उसके बाद हमें भगवान नारायण माता लक्ष्मी की आराधना करनी है क्योंकि वैशाख मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और वैशाख मास में विष्णु भगवान की आराधना होती है। तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, परशुराम जी की आराधना हमें करनी चाहिए, साथ में भगवान गणेश और कुबेर देवता की आराधना भी अक्षय तृतीया की तिथि पर की जाती है। अक्षय फल को देने वाले हैं, ये समय बहुत शुभ है, तो ऐसे में धर्म जो है भगवान कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए अक्षय तृतीया वाले दिन बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है हमारे धर्म में। हमारा धर्म मतलब हिंदू सनातन धर्म में अक्षय तृतीया बहुत शुभ फल देने वाली तिथि है। ये प्रत्येक सनातनी के लिए बहुत विशेष होती है, इसीलिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भी आराधना की जाती है। जिनके घर बाल गोपाल श्री कृष्ण हैं वह भी इस दिन उनकी सेवा करते हैं। तो किस प्रकार से हम अक्षय तृतीया को सफल रूप से मना सकते हैं, आप
सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर लें, और जितने भगवान के मैंने आपको बताया है, जो भी आपके पास उपलब्ध है, जिसको भी आप पूज रहे हैं, उनको एक चौकी पर विराजमान कर लें। पहली बात मैं करूंगी भगवान नारायण श्री हरि और माता लक्ष्मी की। आप उन्हें चौकी पर स्थान दें, उन्हें पीले रंग का वस्त्र अर्पण करें, उनके निमित्त मिठाई और उन्हें पीले फूल अर्पण करते हुए लक्ष्मी माता की आराधना करनी है। लक्ष्मी माता की आराधना का अगर प्रश्न आता है तो हम लक्ष्मी माता की आराधना के लिए पीली हल्दी, कोड़ियां, गौमती चक्र, इनके द्वारा जो है माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं। और अपने घर के स्थान में जहां पर हम पैसा रखते हैं वहां हम उसे विराजमान करते हैं। तो आप सब अक्षय तृतीया वाले दिन नारियल, यानी जो बालों वाला नारियल होता है जटा वाला, वह श्री हरि के श्री चरणों में समर्पित करें, और अक्षय तृतीया के अगले दिन वह नारियल भी उसी कोड़ियों वाले कपड़े में लपेट कर अपने स्थान पर उसे रखते जहां आपका निवास स्थान है। कल का दिन बहुत ही गर्म होता है, इसीलिए ये निवेदन है कि किसी भी भगवान को हमें गर्म खाद्य पदार्थ का भोग नहीं लगाना चाहिए। जिसकी तासीर भी अगर गर्म है, वह भोग जो है वे भगवान को नहीं चढ़ता है। अब भगवान की सेवा के लिए विशेष रूप से हमें क्या करना है? भगवान को जो भी वस्तुओं का भोग लगेगा वह शीतल का होना बहुत जरूरी है। ठंडा जल का भोग लगा सकते हैं, मीठा जल का भोग लगा सकते हैं, भगवान को फलों का भोग लगा सकते हैं, फलों से जो जूस निकलता है उसका भोग लगा सकते हैं। अगर कोई वस्तु जैसे कि मेवा होता है तो सूखे मेवे का भोग कल नहीं लगेगा, कल जो है मेवे को भिगोकर उसके बाद हम भगवान को मेवे का भोग लगा सकते हैं। यानी सभी वस्तुएं ठंडी ठंडी हो, जिसका भोग हम भगवान हरि यानी विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को भोग लगाएंगे। अब बात करते हैं माता लक्ष्मी को, क्योंकि खीर बहुत पसंद है और माता को दूध बहुत पसंद है, इसीलिए हम माँ को कल ठंडा दूध और ठंडी खीर का भोग भी लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, हम सब भगवानों की आराधना नहीं कर पाते, तो मैं आपको बता दूं कि जिनके घर में बहुत दरिद्रता है, जिनके घर में माता लक्ष्मी की कृपा कम हो रही है, तो ऐसे भक्त जन को कल के दिन भगवान हरि और माता लक्ष्मी की आराधना करनी है। और अपने घर का जो मुख्य द्वार है, कल के दिन उस पर अशोका के वृक्ष के पत्तों को लाकर उन्हें धोकर स्वच्छ कर ले, उसके बाद उस पर लाल कुमकुम से श्री और गणेश भगवान के चित्र को अंकित करते हुए अपने मुख्य द्वार पर बंधनवार के रूप में उसे अवश्य बांध ले। उसके बाद हम बात करेंगे लड्डू बाल गोपाल को, क्योंकि कल के दिन उन्हें चंदन समर्पित किया जाता है, तो किस प्रकार से चंदन को समर्पित करना है? आपके घर में आम तौर पर हरी चंदन के नाम से छोटी सी डिब्बी आती है, वो होती है। जो ठाकुर जी की कल आराधना करना चाहते हैं, वह एक कटोरी में चंदन को ले, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डालें और दो चार बूंद इत्र की डालने के बाद उसे अपने हाथ से घोल लें और भगवान श्री ठाकुर जी महाराज को ठंडे ठंडे जल से स्नान कराएं। उसके बाद उनके पूरे तन पर चंदन का लेप लगाना है। भगवान को कहते हैं वस्त्र जो है कल कम से कम वस्त्रों को धारण कराएं, ज्यादा से ज्यादा हमें चंदन को लगाना है। भगवान को जनेऊ अर्पित करें, भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें, और भगवान को नए नए पोशाक अगर आप पहनाना चाहते हैं तो जो सूती वस्त्र होते हैं वैसा वस्त्र उनको धारण कराएं, जिससे उनको गर्मी न लगे। उनको सुंदर श्रृंगार प्रदान करें, और जैसा कि मैंने बताया कि कल के दिन ठाकुर जी को भी आप कोई भी गर्म वस्तु का भोग न लगाएं,
आप जो भी पकवान बनाएं वह ठंडा ही होना चाहिए और वही भगवान ठाकुर जी महाराज को हमें अर्पण करना है, जिससे जो है अक्षय तृतीया जो है हमारे लिए बहुत शुभ फलदायी हो जाती है। और जो भी धर्म से जुड़े हुए होते हैं वह कल के दिन अपने गुरुजनों को, किसी मंदिर, किसी पंडित पुजारी, जिसको भी वह कोई उपहार देना चाहते हैं, तो कल के दिन दी हुई भेंट जो है वह भी अक्षय फल के समान हो जाती है। इसलिए हमें जो है अपने हाथों से कुछ ना कुछ अवश्य निकालना चाहिए। एक ऐसी भेंट वस्तु हमें करनी चाहिए जिससे पूरा वर्ष जो है हमें उस फल की प्राप्ति होती रहे। इसीलिए सुंदर सुंदर मंत्रों का उच्चारण करें। देखिए, जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि सोना चांदी खरीद ले या कोई अच्छी कीमती वस्तु खरीद ले, मैं ये कहूंगी कि केवल खरीदने का ही दिन नहीं है कल। कल के दिन बहुत सारी आराधना, बहुत सारी तपस्या और बहुत सारी भक्ति करने का भी कल का दिन कहलाया जाएगा। इसलिए हमें गौ माता की कल के दिन सेवा करना बहुत शुभ फल प्रदान करेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि दिन भर किया गया मंत्र का उच्चारण हमें कल के दिन धर्म के साथ जोड़ेगा। और सत्य तो ये है कि सोना चांदी हीरा मोती सब यही रह जाएगा, भगवान की शरण में जाकर भगवान के मंत्रों का उच्चारण करने से हमें परम गति की प्राप्ति होगी। भौतिक सुख चाहिए तो भी और साथ में भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते हुए अक्षय तृतीया की जो तिथि है उसे अपार फलदायी आप बना सकते हैं, क्योंकि बहुत शुभ समय के भीतर कल अक्षय तृतीया पड़ने वाली है। जहां तक मैं बात कर रही हूँ कि मैं बार बार कहती हूँ, अच्छे नक्षत्र में अगर कोई त्योहार आता है तो उसी के अनुसार फल तय किया जाता है। तो कल की अक्षय तृतीया जो है वह रोहिणी नक्षत्र में पड़ने वाली है, और ये रोहिणी जो नक्षत्र है कल के दिन यही सोने पर सुहागे का काम करने वाला है। वृषभ राशि में यह पड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि आप कल अपने लिए कल्याण का मार्ग खुद बना सकते हैं, और जितना आप अपना कल्याण करने का भाव रखेंगे उसी के अनुसार ही कल आपको भगवान के निमित्त सेवा करनी है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो को आप देख तो रहे हैं, पर जो कुछ भी आपको समझ में आए इसमें से निकाल कर कल के दिन अवश्य इन कामों को आपको करना ही करना है। अगर आप सब कुछ कर लें तो अति उत्तम है, नहीं तो ठाकुर जी की और माता लक्ष्मी की आराधना करते हुए गौ माता को कल के दिन आप जो भी भोग प्रसाद देना चाहें, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। और गाय को हम कामधेनु गाय कहते हैं, और कामधेनु गाय इच्छाओं की पूर्ति करने हेतु होती है, और कल के दिन आप प्रत्येक गाय को ही कामधेनु गाय समझकर उनको प्रणाम करें, उनकी पूजा करें और उन्हें जो है ठंडे ठंडा भोग प्रसाद दें, जैसे कि आप उन्हें भी कोई फल दे सकते हैं जो शीतलता देती हैं, जैसे कि तरबूज और जैसे कि खीरा। आप कल देवी देवताओं को भी ये दोनों में से कोई भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि एक फल है और एक सब्जी है। तो इस प्रकार से आप इन भोगों को लगाकर अपने जीवन का कल कल्याण कर सकते हैं। अक्षय तृतीया सभी को शुभ फल देने वाली तिथि कल के दिन पड़ रही है, और मैं आशा करती हूँ कि पूरे शिव शक्ति धाम के पूर्ण परिवार को कल के दिन बहुत सारा लाभ प्राप्त हो, और ये लाभ आपके जीवन में कल्याण करे। और अगर आपने सभी चीजें की तो ओए होए, कल ऐसा मजा आ जाएगा आपको कि अगली अक्षय तृतीया का आप बेसब्री से इंतजार करेंगे, और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेगी अगर कल के दिन आप माता लक्ष्मी की भरपूर आराधना करते हैं। और जो भी दीपक लगाएं याद रखें वह देसी घी का ही होना चाहिए। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। वीडियो अगर आपको आज की अच्छी लगे तो मिलकर जयकारा अवश्य लगाया कीजिए। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय हो।